हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा काफी टाइम बाद ये मीशो का हॉल आ चुका है, जिसमें मैंने अलग अलग कैटेगरी से बेसिकली ना एक अमन लो जुलाई का पूरा कलेक्शन मंगा लिया, जिसमें कॉट सेट, जम सूट और क्या था, हाँ कुछ टॉप्स हैं, ड्रेसेस हैं, हाँ इतना सब है। मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग कैटेगरी से मंगा लिया और एक नहीं दो नहीं पूरी 11 आइटम्स है। वन बाय वन देखते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। पहले टॉप से स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मैंने इसको ना ट्राई ऑन करा था ना ऐसे ही छोड़ दिया है। अब मेश टॉप का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है भाई साहब, इतने ज्यादा महंगे भी चल रहे हैं ना ये मेश टॉप, है ही क्या, एक नेटी तो है लेकिन स्टिल इतने महंगे चल रहे हैं। कोई भी चीज मुझे ना बहुत महंगी लग रही होती है ना, मीशो पे एक बार हाथ मार ही लेती हूँ कि हाँ शायद ये वाली चीज ना यहाँ पे थोड़े कम रेट पे मिल जाएगी। इवन अमेजोन से भी ज्यादा मुझे मीशो लगता है इस चीज में, कुछ 336 रुपीज में और पूरा यू नो सी थ्रू वाला मटीरियल है, जैसे फुल नेट वाला मटीरियल है, यहाँ पे इमेज शो हो गई होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साथ ना आपको कुछ कैमी सोल वगैरह परचेज करने की नीड ही नहीं है, ये वाली ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट सी आई हुई है जिसमें पैडिंग भी दी हुई है, तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसको पहन लेना है। बट मुझे जब पहना ना मैंने, मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, थोड़ा सा भी इधर उधर ऊपर वगैरह हो रहा था ना, तो बहुत ज्यादा वो इफ यू नो यू नो, तो इस वजह से ये मुझे टॉप थोड़ा एमीजा लगा। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉप देखते हैं। ये भी उल्टा पड़ा हुआ है। ये वाला ना कॉट सेट थोड़ा मुझे यूनिक लग रहा था कि ये क्या है। मैंने ना काफी ऐसे बाहर के शूट्स वगैरह देखे हैं जिसमें इस टाइप के प्रिंट्स वगैरह ना बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में, लेकिन सामने पहनो तो सब ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ये सब काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। बट एनीवेज, हमें फैशन फॉलो करने से मतलब है, हमें क्या मतलब है लोग क्या कहेंगे, कहीं से भी कुछ भी रिवीलिंग नहीं है। इसका प्राइस पता कितना है, 394 रुपीज। काफी ऐसे मॉडर्न टच डाल रहा है। प्रिंट्स वगैरह आपको पसंद है ना कि मतलब कुछ अलग हो जाएगा और कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और स्मॉल साइज में मैंने इसको ऑर्डर करा है, मुझे पसंद आया, मेरी तरफ से गुड टू गो है। हाँ, नेक्स्ट ना ये स्कर्ट बहुत ट्रेंड में थी, मतलब थोड़ी ऐसी पिंटरेस्टी काइंड वाइब आ रही थी और स्कर्ट ना मुझे काफी टाइम से ऐसी लेनी थी कि ऐसे वाइट हो जो कि हर टॉप के साथ चली जाए और ऐसी मॉडेस्ट भी लगती है, क्योंकि ना डेली डेली ना ऐसे डेनिम वगैरह नहीं पहना जाता ऑनेस्टली। ये बात से हर कोई रिलेट कर सकता है। काफी सारे साइजेस अवेलेबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको अपना साइज नेक्स्ट कोई ड्रेस देखिए। हाँ हाँ हाँ, मैं ये इसके बारे में बताना भूल गई, ये जो ड्रेस मैंने पहनी है ये भी मीशो से ही है, उसका प्राइस सिर्फ 266 रुपीज है। खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाई कि इसको मेरे को पहनना ही पहनना है। ऐसा ना मेरे को पिकनिक डेट टाइप का ना लुक क्रिएट करना था जिसमें मैंने ऐसे पीछे बो लगाया था, लेकिन अभी मेरे से बिल्कुल नहीं लगाया गया, बाल वगैरह खोलना ये मेरे बस की नहीं था फिलहाल। ऐसा होता है ना, पूरा चटाई वगैरह बिछानी होती है और कुछ फ्रूट्स एंड कुछ ऐसे ना एक्सेसरीज वगैरह रख लो और थोड़ा ऐसा फोटो शूट के लिए ना बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा ये। नहीं, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी मंगाई है। वाली ड्रेस देखते हैं, ये ना थोड़ा ऐसे चटाक है ना तो ध्यान ज्यादा खींच रहा है मेरा। ये थोड़ा ना ऐसे पिंटरेस्ट और जेंजी काइंड ऑफ ड्रेस लगी मुझे। मीशो पे इस टाइप की ड्रेसेस भी मिलती है भाई, हल्के में मतलब उसको अभी भी बोल रही हूँ। फैब्रिक उतना हाई एंड नहीं है लेकिन काम चला हुआ है, क्योंकि हमें एक दो बारी से ज्यादा क्या ही पहननी होती है, क्योंकि प्रिंटेड ड्रेसेस का यही होता है। काफी सारी ऐसी डोरियां सी दी हुई है, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी भाई इसको पहनना कैसे है। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस भी नहीं बनानी चाहिए, सिंपल रखना चाहिए, ड्रेस ही तो है फाइनली। इसका प्राइस था 471 रुपीस और मैंने ना इसको थोड़ा ऐसे चंकी से स्नीकर्स होता है हाँ लोफर्स के साथ मैंने इसको स्टाइल करा, अच्छा सा लुक रेडी हो गया। ऑनेस्टली मैं तो इसको बाहर जब जाऊंगी ना मैं हील्स के साथ ही पहनने वाली हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह ना बहुत मजाक उड़ाएंगे। ये वाले लोफर्स तो मैं कहीं पहन कर ही नहीं जा पाती हूँ। होता है ना कि एस्थेटिक्स तो जितने भी फॉलो कर लो दोस्त वगैरह ना मजाक उड़ा ही देते हैं, तो वो वाला सीन है। अब नेक्स्ट देखे ना, नेक्स्ट क्या देखे, टॉप देख, एक और मैश वाला टॉप मंगाया मैंने, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मतलब जैसा इमेज में दिखाया हुआ था ना वैसा ही लगा था। सेम इसी फैब्रिक में ना मैंने अर्बैनिक से भी लिया, वो अराउंड 700-800 है, लेकिन सेम क्वालिटी है, सेम फैब्रिक है और 366 रुपीस में भी यही वाला टॉप मिल रहा है। चाहो तो कुछ ऐसा कैमिसोल ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी लाइनिंग भी दी हुई है, शीर का शीर और लाइनिंग। नेक्स्ट ना ये पाइनएप्पल वाली ड्रेस थी, ये मैंने इतने लोगों को पहने हुए देखा ना, मुझे लगा हाँ ये मुझे भी ट्राई करनी है और इतनी अच्छी
सी इमेज भी डाली हुई थी। नो डाउट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, अंटिल इन्होंने ये हरकत ना करी होती। भाई लिटरली जिसने भी इसको पैक करा है उसने वो पूरा नंबर लिख दिया किसी का, इसको पेपर समझ के। अच्छा यहाँ पे भी दे रखा है, बताओ कॉलर पे भी नंबर लिख रखा, और भी कहीं दे रखा है क्या? वैसे तो ऑनेस्टली काफी ऐसा क्रेप मटेरियल है, मेरे को आई ऐसी ड्रेस, होप सो आपको ना आए। और बेल्ट भी एडिड है तो बेल्ट का एक एड ऑन फैक्टर हो जाता है। ओवरऑल लुक मुझे अच्छा लग रहा है, काफी ऐसे मॉडेस्ट काइंड ऑफ लुक है। अगर रिटर्न नहीं हो पाया तो 359 का चुना तो लग ही जाना है, कोई बात नहीं। बट एनीवेज एक कितने रह गए, हाँ एक तो ये वाली ड्रेस भी मैंने मंगाई थी ना, बलून ड्रेस काफी ज्यादा ट्रेंड में है, बिल्कुल ऐसे ना फ्लेयर बहुत अच्छा है। आई नो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, नी लेंथ तक आएगी, मेरा इंस्टाग्राम में ना बहुत आती है और मुझे था कि हाँ ये ट्राई करनी है, लेकिन जब मैंने मिंत्रा वगैरह पे स्क्रोल करा ना वो अराउंड 900 अप्रॉक्स थी। बट लेकिन वो थोड़ा ऑर्गेन्जा मटेरियल में होती है, वो ओकेजनली पहन सकते हो। अगर डेली वेयर में थोड़ी शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह कैरी करते हो ना तो ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब डेली वेयर वाला फैब्रिक है। थोड़े यूज के बाद थोड़ा सा कलर इसका डाउन हो सकता है, मैं पहले ही बताकर चलूं। तो चलो ना, पहली बार ऐसी कोई ड्रेस देखी है जिसमें मीशो पे टैग भी आया है। ये ना बॉडीकॉन काइंड ऑफ ड्रेस है, जैसे न्यूमी वगैरह एप्स पे मिलती है ना वैसी। यार पानी पी लूं मैं, किसी का बर्थडे है आज, बाहर से आवाज आ रही है। बात करें इस ड्रेस की तो ये ना एक बॉडीकॉन ड्रेस है, जैसा कि आजकल देख रहे हैं ना रिक्रिएशन लुक्स काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इस टाइप की ड्रेसेस ना यूजुअली ऐसे काइली जेनर और केंडल जेनर वगैरह से इंस्पायर्ड ड्रेस है। इसका भी लाइक्रा मटेरियल है जैसा पिंक वाली का था, और इसका प्राइस सिर्फ 359 रुपीज है। अगर न्यूमी पे लेने जाओगे ना तो वो अप्रॉक्स 1500 से कम नहीं आने वाले। ये शायद इसमें ना स्लिट भी था, हाँ नी से स्टार्ट है वो स्लिट ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना सुंदर फिट आया ना। एक बारी को तो मैं भूल ही गई थी कि ये मीशो से है, थोड़ा सा सिर्फ बॉडी हगिंग है तो कर्व्स वगैरह हाईलाइट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट ना ये एक टॉप भी है। ये ना ऐसे पोलो टी शर्ट्स ना, आजकल काफी ऐसे प्रिंटेड काइंड ऑफ पोलो टी शर्ट ना, स्पोर्टी टाइप की लुक होती है ना जिनकी, वो बहुत ट्रेंड में है, जिसमें ऐसे स्लीव्स अलग कलर की एंड पूरा ओवरऑल जो है टॉप वेयर वो बिल्कुल अलग कलर का। इसमें एक ब्लैक कलर भी था, लेकिन मुझे ना ग्रीन और ग्रे का कॉन्ट्रास्ट ज्यादा अच्छा लगा। फैब्रिक थोड़ा सा मोटा लग रहा है मुझे टॉप के हिसाब से, और ये भी लग रहा है कि थोड़े टाइम बाद ना इसके थोड़े थ्रेड्स वगैरह निकल सकते हैं। बाकी दोनों मेश टॉप थे ना वो फिर भी अच्छे थे, ये थोड़ा सा काम चला हुआ है, ट्रेंड वगैरह के साथ चलना हो तो ले लो, और क्या बोलूं। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ना ये क्या क्या पता नहीं कहाँ से आ गया, एक जंप सूट है। मुझे कब से लेके ना कुछ जंप सूट वगैरह भी लेने थे, थोड़े ना ऐसे बॉसी टाइप की वाइब देते हैं। इस टाइप की ये डरो मत, ये चेन है, बैक साइड से है, मैं इसको बंद कर देती हूँ तो समझ आ जाएगा कैसा बोल रही हूँ। ये वाला प्रिंट भी बहुत देखने को मिल रहा है, 2-3 साल से ये प्रिंट ना आया है और लगातार मार्केट में बहुत ट्रेंड में है ये वाला प्रिंट। मैं एक जो इसका यू नो डिसएडवांटेज काइंड ऑफ बता दूं, इसमें ना कैमल टो वगैरह बहुत विजिबल है, थोड़ा साइज ना प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, आखिर मुझे कौन सा साइज ऑर्डर करना चाहिए था। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे मीडियम साइज पे जाती ढीला ढीला लगता, अब साइज ओवरऑल ठीक है तो ये ऊपर चढ़ रहा है, वो चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बाकी अगर देखा जाए लुक बहुत अच्छा है, फैब्रिक नो डाउट अच्छा है जैसा जंप सूट का यूजुअली होता है, मतलब सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, और ओवरऑल लुक काफी बॉसी सा लग रहा था। बट अगर थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट होना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हाँ यार बैठने उठने में ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये था हमारा लास्ट आर्टिकल, पूरे हॉल में यही सारे आर्टिकल्स मैंने मंगाए थे और ऑलमोस्ट चीजें मुझे पसंद भी आई हैं, जिसका मैंने ऑनेस्टली आपके साथ रिव्यू भी शेयर करा है। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, इफ यू गाइज एंजॉयड इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट subscribe to my channel, subscribe to my channel, ये सब कर देना ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप, फिर से क्यों बोल रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, bye.